नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइबा। मध्य प्रदेश में बीजेपी को अब एक जोरदार झटका लगने जा रहा है। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही बीजेपी को ये 440 वोट का झटका काफी महंगा साबित होने जा रहा है। दरअसल जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोबारा से ज्योतिरादित्य सिंधिया पलटी मार सकते हैं और इसका पूरा पूरा फायदा कांग्रेस को होगा। और ये अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के विधायक समंदर पटेल, जो 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए और कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था, भाजपा में घुटन का आरोप लगाते हुए कांग्रेस में वापस लौट आए हैं और ये कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि पटेल ने भाजपा कार्यालय में अपना इस्तीफा सौंपने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र जावद से भोपाल की यात्रा 1200 कारों के काफिले के साथ की। कई महीनों में पटेल तीसरे सिंधिया वफादार हैं जो कांग्रेस में वापस चले गए हैं और वो भी उसी शैली में। अभी तक जितने भी सिंधिया वफादार कांग्रेस में लौटे हैं वो वाहनों के विशाल काफिले के साथ सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए लौटे हैं। इससे पहले सिंधिया का एक वफादार नेता और विधायक 4000 वाहनों के काफिले के साथ लौटा था और किलोमीटर तक यातायात जाम हो गया था। 14 जून को शिवपुरी के बीजेपी नेता बैजनाथ सिंह यादव ने सिंधिया से नाता तोड़ लिया और 700 कारों की रैली निकाली। भाजपा के पूर्व शिवपुरी जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने भी 26 जून को एक कार रैली निकाली और कांग्रेस में आ गए। ये भी सिंधिया के बहुत खासम खास थे। समंदर पटेल ने एक मीडिया रिपोर्ट से बातचीत करते हुए कहा है कि मैंने महाराज यानी सिंधिया के साथ पार्टी छोड़ी थी, लेकिन जल्द ही मुझे भाजपा के भीतर घुटन महसूस होने लगी। मुझे किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाता था, मुझे सम्मान और पावरफुल पद नहीं दिया गया। भाजपा की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से भाजपा की मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कभी यही मुश्किलें कांग्रेस के लिए थी, तब वजह सिंधिया थे। समंदर पटेल की कांग्रेस में वापसी बहुत कुछ बताती है। विधानसभा चुनाव में टिकट से इनकार किए जाने के बाद उन्होंने पहली बार 2018 में कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने उस साल निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और अपने दम पर 35,000 वोट हासिल करके कांग्रेस की संभावनाओं पर पानी फेरा और भाजपा की जीत का रास्ता साफ किया था। उस वक्त वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए थे और इसके तुरंत बाद मार्च 2020 में सिंधिया के 22 विधायकों के समूह के साथ कांग्रेस फिर से छोड़ दी थी। सत्तारूढ़ दल में शामिल होते ही समंदर के लिए परेशानी शुरू हो गई और वो राज्य के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के साथ सार्वजनिक विवाद में फंस गए। समंदर ने आरोप लगाया कि मेरे समर्थकों को सखलेचा के खेमे में लगातार अपमानित किया गया। छोटे मोटे झगड़ों को लेकर उनके खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज किए गए, तभी मैंने भाजपा छोड़ने का फैसला किया। विधायक ने आगे बताया है कि उन्हें सिंधिया से कोई दिक्कत नहीं है। समंदर ये भी कहते हैं कि महाराज जी के प्रति मेरे मन में अब भी सम्मान है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की और मेरे साथ झगड़ा करने के लिए भाजपा नेताओं को भी डांटा, लेकिन वो एक बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री हैं, वो हमेशा मेरी मदद के लिए नहीं आ सकते हैं। यानी अब फूट जो है वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी। बहरहाल सिंधिया को मध्य प्रदेश भाजपा इकाई में अंदरूनी कलह से जूझना पड़ रहा है। उनके समर्थकों और पार्टी के पुराने समय के लोगों के बीच तनाव बढ़ गया है। सिंधिया खेमे के एक नेता ने यह भी कहा है कि समंदर पटेल के इस कदम से बीजेपी को नुकसान होगा। उस नेता ने यह भी कहा है कि पटेल नीमच में एक बड़े नेता हैं, वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और पार्टी का समर्थन करते थे। सिंधिया उनके गॉड फादर थे, वो सिंधिया के लेफ्टिनेंट की तरह थे। कांग्रेस में अभी और लोग आएंगे, ये दावा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के खेमे के एक दूसरे नेता ने बताया है कि कई और समर्थक जल्द ही कांग्रेस में लौट आएंगे। इन नेताओं से बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाजपा सिंधिया के वफादारों के साथ अपने मतभेद नहीं सुलझा रही है। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं?
भाजपा से निकलने के बाद पटेल ने सकलेचा पर भ्रष्टाचार के जबरदस्त तरीके के आरोप लगाए हैं। सिंधिया के वफादारों में तमाम जमीन से जुड़े नेता हैं, इन्हीं में समंदर पटेल भी थे। पटेल ने लिंबोदी ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में राजनीति की शुरुआत की। इस पद पर वो 1994 से 2015 तक लगातार 4 बार रहे। वो धाकड़ समुदाय से हैं जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसमें 24% वोट शेयर है। जावद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने जो हलफनामा दिया था उसमें 89 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की गई थी। वो राज्य के सबसे अमीर नेताओं में से एक हैं, लेकिन अब उनका बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में दोबारा से चले जाना बीजेपी के लिए जोरदार झटका माना जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए।